सो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ नामरूप दिल्ली घाट। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जयपुर। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे चाय का बगान है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है सुबह का टाइम। तभी बज चुके हैं सुबह के करीब 7:30। निकल चुका था करीब 7:20 को, तभी 10 मिनट हो चुका है। तो मैं अभी जयपुर पहुँच चुका हूँ, अभी कुछ टाइम और लगेगा, करीब आधा घंटा और। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है चाय का बगान। तो अगर आपका सुबह कुछ इस तरह से होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे चारों तरफ करीब दो साइड, करीब दोनों ही साइड चाय के बगान है। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। तो रास्ते में अभी कोई नहीं आ रहा है, इधर आगे तरफ भी कोई नहीं आ रहा है अभी। तो बिल्कुल सुबह का टाइम बहुत ही खाली रहता है। तो आज है होली, तो हैप्पी होली टू एवरीवन। तो मेरा एक्शन कैम अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी तो रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा एक्शन कैम से, तो मैं इसलिए अभी रुक के मोबाइल से ही कर रहा हूँ, नहीं तो आपको मोटो ब्लॉगिंग दिखा देता। तो अभी मैं दिखाऊँगा मोटो ब्लॉगिंग, लेकिन साउंड प्रॉब्लम होगा। सीधा दिल्ली घाट पे, तो बीच में मैं रुक के आपको बताऊंगा कि वे किस तरफ से जाना है आपको। तो नामरूप में मैं आपको बता दूंगा किस तरफ है वो रास्ता। तो चलिए मिलते हैं अभी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ नामरूप। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये तिनाली है। तो आपको अभी लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा अगर आप जा रहे हैं दिल्ली घाट। तो मैं अभी लेफ्ट की तरफ जाऊँगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। मैं जाऊँगा अभी लेफ्ट की तरफ, यह है सोनारी तिनाली। जब आप बस से आओगे तो बस यहाँ पे रुकेगा। करीब 10 मिनट और लगेगा पहुंचने में। तो मैं अभी करीब आपको दिखा देता हूं कि यहां का व्यू कैसा है। तो ये चेक करें आप। तो ये रास्ता बिल्कुल खाली है। तो मेरे लेफ्ट साइड में है पहाड़ जंगल, एंड राइट साइड में है टी गार्डन, जो कि बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे। और बैक साइड में आप देख सकते हैं कोई नहीं है।
अभी मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली घाट ब्रिज। तो आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में है दिल्ली घाट ब्रिज। एक सेकेंड, तो ये रहा दिल्ली घाट ब्रिज। तो इसके इधर में ही है शिव मंदिर, तो अभी मैं एंटर करूंगा शिव मंदिर। तो ये है शिव मंदिर यहाँ का, जो कि है दिल्ली घाट में। तो बिल्कुल ब्रिज के बगल में ही है मंदिर। तो करीब 50 साल पुराना होगा ये मंदिर। तो चलिए अभी एंटर करते हैं मंदिर में। मंदिर में दर्शन कर लिया, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ बैक साइड कैसा है मंदिर का। चलिए बैक साइड पे चलते हैं। तो यह है मंदिर का बैक साइड। तो बैक साइड में भी एक गेट है। तो आप देख सकते हैं पेड़ बहुत ही बड़ा है, जो कि बिल्कुल मंदिर के ऊपर ही है ये। तो यह मंदिर का बैक साइड वाला गेट है। तो मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, बहुत बार आ चुका हूँ, तो बस मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो यह है बैक साइड, इस तरफ जंगल ही है। तो यह है मंदिर का लेफ्ट साइड। बहुत ज्यादा सुंदर है मंदिर। तो अभी चलते हैं थोड़ा ब्रिज की तरफ, ब्रिज के नीचे की तरफ। तो अभी जा रहा हूँ नीचे की तरफ, जो कि है ब्रिज के बिल्कुल नीचे। तो ये देख सकते हैं ब्रिज, तो इसका नीचे तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ज़्यादा स्टेप्स नहीं है सीढ़ी पे, तो लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है सीढ़ी, क्योंकि कोई भी एक समान नहीं है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा स्टेप है। अभी देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ यहाँ पे नीचे तरफ। तो मेरे पीछे है नदी, दिसांग नदी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद दिसांग नदी है ये। थोड़ा और आगे तरफ चलते हैं नदी के पास। तो दिल्ली घाट से सबसे करीब रेलवे स्टेशन है, जो कि है नामरूप रेलवे स्टेशन, वो है करीब 13 किलोमीटर यहाँ से। एंड फिर उसके बाद है नाहरकटिया का रेलवे स्टेशन, जो कि है करीब 23 किलोमीटर। तो अगर आप रेलवे से आते हैं, मतलब ट्रेन से अगर आते हैं, तो आप नामरूप रेलवे स्टेशन से बाय रोड आ सकते हैं दिल्ली घाट। कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं आप। तो वो जो नामरूप में आपको मैं तिनाली दिखाया था, उसको बोलते हैं सोनारी तिनाली। तो वहाँ से आप आ सकते हैं कोई भी ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो अभी देख सकते हैं ब्रिज बिल्कुल मेरे पीछे तरफ है। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा नदी के पास। शायद ये जून जुलाई जो बारिश का मौसम रहता है, तब ये पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अभी उतना है नहीं, थोड़ा कम हो गया पानी। तो मेरा पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं एक बार और अटेम्प्ट किया था आने के लिए, लेकिन मेरा स्कूटी ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो आज फाइनली मैं आज आया हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कैसा डस्ट है यहाँ पे, धूल है यहाँ पे, बहुत ही उड़ रहा है यहाँ पे धूल। तो मैं आ चुका हूँ नदी के करीब। यहाँ से पत्थर उठाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे गड्ढा वड्ढा होके रखा है यहाँ पे। उधर ब्रिज बन रहा है, जो कि आप, तो ये नीचे की तरफ एक ब्रिज बन रहा है यहाँ पे। तो वहाँ से आवाज़ आ रहा है कुछ। तो
तो अभी का टाइम दिल्ली घाट बहुत ही खाली रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक अपर असम का बहुत ही पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे दिसंबर और जनवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं, तो मेरे बैक साइड में जितने भी प्लेस है ये सब भर जाता है पिकनिक से। तो बहुत सारे फैमिलीज लोग, बहुत सुख लोग आते हैं पिकनिक के टाइम। तो ऐसे ऑफ सीजन में ये खाली रहता है, लेकिन पिकनिक के टाइम भर जाता है पूरा। तो ये जैसा यहाँ पे काम हो रहा है पत्थर उठाने का, ये उस टाइम पे शायद नहीं हो। तो आप देख सकते हैं ब्रिज के नीचे मैं हूँ, एकदम बिल्कुल सेंटर में ब्रिज के। तो इस तरफ से मैं आया था, अभी मैं वापस जा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस ऊपर। तो मैं फिर जा रहा हूँ वापस घर। तो करीब यहाँ पे मैं एक घंटा रुका यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रिज के ऊपर से कैसा है व्यू नीचे की तरफ। तो ये है दिल्ली घाट ब्रिज। और इस रास्ते के तरफ है शिवसागर, सोनारी, सापेकाटी। तो यहाँ से सोनारी है 42 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं मंदिर यहाँ पे है। तो मैं अभी हूँ ब्रिज के ऊपर, तो आपको दिखा देता हूँ ऊपर से ब्रिज का व्यू, नीचे का व्यू कैसा है। ब्रिज का व्यू बोल रहा हूँ मैं। तो ये है ब्रिज के ऊपर से व्यू, ब्रिज बन रहा है और एक वहाँ पे। तो अभी चलिए चलते हैं उस तरफ, मैं उस तरफ से आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इस तरफ का व्यू, बहुत ही साइलेंस है यहाँ पे। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं पहाड़ है यहाँ पे। चलिए अभी चलते हैं वापस घर, भूख भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो करीब और आधा घंटा लगेगा मुझे घर पहुंचने में। तो ये वीडियो कब मैं अपलोड करूंगा, आज तो है होली, तो करीब 2-3 दिन या फिर आज शाम को मैं एक को अपलोड कर दूंगा। आज शाम को तो हो नहीं पाएगा सर। तो इस तरफ कोई पार्क है तो मैं इस तरफ जा कर देखता हूँ कि पार्क खुला हुआ है कि नहीं। तो मैं इस तरफ कभी आया नहीं हूँ, दिल्ली घाट आया हूँ लेकिन इस तरफ कभी आया नहीं। तो चलिए देखते हैं कि पार्क खुला है या नहीं। तो पार्क बंद है, देख सकते हैं ताला मारा हुआ है यहाँ पे। तो फिर वापस चलते हैं घर की तरफ। तो मैं इस तरफ से आया था,